ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक से कबल जन्मी और आज़ादी के बाद भी मुल्क के दीगर बाशर अफराद के साथ मिलकर बुनकर बिरादरी के मसाइल और कौमी मसाइल पर आवाज़ बुलंद करती रही और उनके हल के लिए कोशा रही। इसी तंजीम ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को दोबारा मैदान अमल में लाने के लिए शहर मालेगांव महाराष्ट्र में तंजीम के कौमी सदर एडवोकेट फेरोज अहमद अंसारी के इमा पर JTT हाई स्कूल में एक मशहूरती मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर औरंगाबाद से ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के महाराष्ट्र के सदर जनाब अब्दुल मतीन परवेज, मुंबई से जनरल सेक्रेटरी परवेज अंसारी, मुंबई के सदर अंसारी मोहम्मद उमर लकड़ावाला, हिंदुस्तान अखबार के मालिक व मुदीर सरफराज अहमद आरजू, मुशीर अहमद अंसारी, अब्दुल मतीन खान, शाकिर अंसारी, शकील अहमद अंसारी, एजाज अहमद, एडवोकेट महाले नईम अंसारी के अलावा पुणे से इकबाल अंसारी व अमीन शेख, भिंडी से वहाँ के सदर शकील मोमिन पापा उनके साथियों ने शिरकत की, जबकि महाराष्ट्र के दीगर अजला के लिए मोमिन बिरादरी के जिम्मेदारान मौजूद थे। इसी मशहूरती मीटिंग में शहर मालेगांव की बुनकर बिरादरी के मखसूस अफराद ने शिरकत फरमाई। मालेगांव के 94 साल बुजुर्ग डॉक्टर खलील अंसारी को उनके समाजी मूल्य खदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। मालेगांव के जिम्मेदार जनाब अब्दुल मजीद सिद्दीकी ने वुमेन कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर मैदान अमल में लाने की जरूरत पर जोर देते हुए उसके अजायम और लाहे अमल को पेश किया और मालेगांव की तश्कील की बाबत अहले मालेगांव को रूशनास कराया। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर जनाब एडवोकेट फेरोज अहमद अंसारी ने अपने खिताब में वुमेन कॉन्फ्रेंस के माजी के कौमी सदूर मोहतरम अब्दुल क्यूम अंसारी, मोहतरम जियाउद रहमान अंसारी, मोहतरम आमीन अंसारी, मोहतरम मौलाना हबीब नुमानी और खसूस तौर पर मालेगांव से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम हारून अंसारी की ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के जरिए समाजी खिदमात को याद किया और सराहा। उन्होंने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में रूह फूंक कर एक बार फिर फाल बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए दीगर दूसरी बिरादरियों के साथ मिलकर काम करने की वकालत की।